अल्पना जोशी जी, श्री प्रसाद वर्मा जी, श्री प्रकाश जायसवाल जी, प्रमोद तिवारी जी, जितिन प्रसाद जी, रामलाल राही जी, अमर रिश्वी जी, अनिल वर्मा जी, रमेश चंद्र निषाद जी, मंजरी राही जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता भाइयों बहनों युवाओं, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत नमस्कार। दूर दूर से आए हैं, इसके लिए आप सबको बहुत धन्यवाद। 2004 में आपने दिल्ली में हमारी सरकार चुनी, कांग्रेस पार्टी की सरकार। आमतौर से क्या होता है, जब पार्टियां चुनाव लड़ती हैं वो आपको 10-15 वायदे करती हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस चीज को बदल देंगे। हमने आपको सिर्फ एक वायदा दिया, क्योंकि हमारी आदत है जो हम कहते हैं वो करते हैं। हमने आपसे कहा कि देखो, अगर दिल्ली में सरकार बनेगी कांग्रेस पार्टी की, यूपीए की, तो वो आपकी सरकार होगी, आम आदमी की सरकार होगी, गरीबों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की, किसानों की सरकार होगी। हमारे विपक्ष में जो खड़े थे उन्होंने भी नारा दिया, उन्होंने कहा इंडिया शाइनिंग हमारा नारा। इंडिया शाइनिंग का मतलब हिंदुस्तान चमक रहा, अंग्रेजी में नारा दिया उन्होंने। जब उनके नेताओं से पूछा गया ये नारा आपको कहां मिला, उनके सबसे सीनियर नेता ने कहा मैं टीवी देख रहा था एक शाम, सूट जो होता है उसका एक इश्तेहार था, एडवर्टाइजमेंट था, उसमें मैंने देखा इंडिया शाइनिंग। मैंने सोचा ये बहुत अच्छा नारा है, इसे चलाते हैं। अजीब तरीका है नारा चुनने का, आपके घरों में नहीं आए, आपसे बात नहीं की, आपसे सवाल नहीं पूछे, भैया क्या हालत है, क्या हो रहा है। नारा दे दिया अंग्रेजी में, इंडिया शाइनिंग हिंदुस्तान चमक रहा है। आप अपने घरों में बैठे थे, आपके घर में बल्ब नहीं था, बिजली नहीं थी, घर के सामने सड़क नहीं थी, खुला नाला था, और आपने पूछा भैया ये किसका हिंदुस्तान है जो चमक रहा है, हमारा तो नहीं चमक रहा, इन लोगों का हिंदुस्तान चमक रहा था, इनके घरों में चमक रहा था, मगर वो आपके बीच नहीं आए, आपसे पूछा नहीं। और आपने क्या किया, कांग्रेस पार्टी को जिताया और कहा भैया इंडिया शाइनिंग छोड़ो, हमें चाहिए आम आदमी की सरकार, ऐसी सरकार जो हमारे लिए काम करे, गरीबों की लड़ाई लड़े। हमारी सरकार आई, हमने पहला काम क्या किया, मनरेगा, दुनिया का सबसे बड़ा रोजगार का प्रोग्राम। हमने कहा शहरों में रोजगार पहुंचता है, बड़े लोगों के लिए रोजगार मिलता है, गांव में नहीं पहुंचता, क्यों नहीं हम रोजगार का अधिकार गांव में पहुंचाए। 100 दिन 120 रुपए प्रतिदिन 12,000 रुपए हमने हर गरीब को देने की बात शुरू की। जब हम पार्लियामेंट में ये बात कर रहे थे, उन्हीं लोगों ने, विपक्ष के दलों ने क्या कहा, पैसा कहां से आएगा, हमसे सवाल पूछा पैसा कहां से आएगा। गरीबों की बात होती है पूछते हैं पैसा कहां से आएगा, अमीरों की बात होती है पैसा मिल जाता है। हमने दिखा दिया पैसा कहां से आएगा। मायावती जी खड़ी हुई, ऐसे भाषण में उन्होंने कहा नाटक है, कांग्रेस पार्टी नाटक कर रही है, मजाक कर रही है, किसी का फायदा नहीं होने वाला मनरेगा से। अब आप चाहिए हरियाणा, चाहिए आंध्र, चाहिए महाराष्ट्र, चाहिए
मुख्यमंत्री क्या कहती है, कोई फायदा नहीं होगा। और एक प्रकार से वो सही कहती, उत्तर प्रदेश में किसी का फायदा नहीं हुआ, जादू का हाथी बैठा है लखनऊ में उसका फायदा हुआ, जो पैसा हमने आपको भेजा वो खा लिया हाथी उठा के। हमने अधिकार की बात की, हमने कहा हम रोजगार का अधिकार देंगे, दे दिया। फिर हमें लगा एमपी एमएलए मंत्री लोग जो भी सरकार के बारे में सवाल पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, मगर हमारी जो आम जनता है वो सवाल नहीं उठा सकती, वो नहीं पूछ सकती कि भैया क्या हो रहा है सरकार में। तो हमने आपको एक नया कानून दिया, आरटीआई सूचना का अधिकार। इससे क्या हुआ, आपके हाथों में शक्ति आई, आपने सवाल पूछना शुरू किया और जो पहले भ्रष्टाचार छुपा रहता था वो खुले में आया। फायदा किसका हुआ, आपका हुआ। आज भ्रष्टाचार की बात होती है, एक्शन किसने लिया, हमने लिया, आरटीआई दिया आपको, मंत्री बनने हमारे खेल में। उसके बाद शिक्षा का अधिकार, अमीर लोगों के बच्चे स्कूल चले जाते हैं, अंग्रेजी सीख लेते हैं। हमने कहा गरीबों को भी अधिकार होना चाहिए और स्कूल में हमने भोजन चालू किया, लाखों परिवारों को फायदा हुआ, गरीब बच्चों को फायदा हुआ, वो स्कूल जाते हैं। और अब हम सबसे बड़ा काम करने जा रहे हैं, भोजन का अधिकार। हमने कहा है कि हम चाहते हैं कि इस देश में कोई भी भूखा नहीं है, यहां के जो नेता है आपके बीच में नहीं आते, आपके घरों में नहीं जाते, आपके घरों में खाना नहीं खाते, आपसे बातचीत नहीं करते, आपके कुआं का गंदा पानी नहीं पीते। इसलिए वो भूल रहे हैं कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ी कमी, सबसे बड़ी मुश्किल गरीबों का सामना करनी पड़ती है। अगर एक चीज से लड़ना है हमें तो गरीबी से लड़ना है, और गरीब की सबसे बड़ी मुश्किल क्या होती है, आधी रोटी खाता है, कभी कभी वो भी नहीं मिलती है। हम इस बात को बदलना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा गरीब न रहे जिसके घर में भोजन ना हो, और इसके लिए 35 किलो अनाज हर परिवार को हम देने जा रहे हैं। पार्लियामेंट में बिल रखा है और इसको हम लागू करने वाले हैं। अब आप देखिए, हमने भोजन के अधिकार की बात की, दो तीन दिन लगे मायावती जी ने कहा कि इससे किसी को फायदा नहीं होने वाला है।